हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कार्बोनेट्स कंपाउंड के बारे में, कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं चाहूँ पिछली क्लास में मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था। कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है कि द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम। कि भाई जब हम बॉन्ड फॉर्म करते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो सेम या फिर डिफरेंट एटम्स के बीच में, तो शेयरिंग की वजह से बॉन्ड्स बने, उसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उसके एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ। पहला है, सपोज करो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एटम्स H2 हाइड्रोजन। अब एज वी ऑल नो, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के एलिमेंट के अकॉर्डिंग अगर वो होगी तो 1, इसकी होती है वैलेंसी 1। इट मीन्स कि हाइड्रोजन को एक एटम चाहिए अपनी ऑक्टेट को फिल करने के लिए, अपने शेल को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो इट मींस के दोनों को एक एक चाहिए। तो अब ये दोनों क्या करेंगे? देखो, अब ये 2 गए, मैं ये इसके पास अपना हो गया, इसके पास अपना हो गया, क्योंकि एच के कितने एटम्स हैं? 2 हैं, तो दोनों को मैंने अलग अलग रख दिया। अब इनको स्टेबल होने के लिए क्या करना है? एक बॉन्ड बनानी है। तो अब होगा क्या? अब ये क्या करेंगे? अब ये अपना शेयर कर लेंगे एटम को। तो जब ये एटम को शेयर करेंगे क्या करेगा? ये इसके साथ आ गया, तो देखो एक बॉन्ड बन गई, सिंगल बॉन्ड। अगर यहां से देखा जाए तो इसके 2 एटम्स पूरे हो गए, यहां से देखा जाए तो 1/3 के पास एक इसने शेयर कर लिया, तो एक बॉन्ड बनाई, तो यही होती है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड बना ली, अब इसने क्या करा यहां पर, इसे बोलते हैं इसने क्या किया, इसने 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो 1 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हुआ, 1 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, होप्स आपको समझ आया। अब यहाँ पे अगर इसने 1 पेयर शेयर्ड किया है तो इट मीन्स जो बॉन्ड बनेगी वो कौन सी बनेगी? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे एच एच के बीच में कौन सी बॉन्ड बनी? सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे जो बॉन्ड बनी वो क्या बनी? सिंगल बॉन्ड। अब ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं, होप सबको समझ आया होगा कि H2 भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वैलेंसी 1 है। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, अगर इनको स्टेबल होना है तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ेंगे। तो अब ये क्या करेंगे? शेयर करेंगे। भाई इसने इसके साथ शेयर कर लिया तो ये कम्प्लीट हो गया, अब इसने इसके साथ शेयर किया तो ये कम्प्लीट हो गया, तो यहाँ पे 1 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए। अगर 1 पेयर हुआ है तो इट मीन्स यहाँ पे कौन सी बॉन्ड बनी? सिंगल बॉन्ड। देख रहे हो ना आप, इनके बीच में बॉन्ड बन रही है, ये सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट ऑक्सीजन O2। अब O2 की भी हम कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, के एलिमेंट हम इसमें भी करके देखते हैं, देन वैलेंसी देखेंगे। तो 2 और 6, इट मीन्स हमें 2 8 8 2 चाहिए होता है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए। अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या करेगा भाई, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2, क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट है 2 की, 6 छोड़ना डिफिकल्ट है, 2 लेना बहुत आसान है। अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो इनके पास क्या है, दोनों के पास देखो कितने एटम्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, 6, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, और ये 6। अब ऐसे दूसरा ऑक्सीजन देख लो, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन 2 इसके साथ शेयर कर लेगा ये वाला, और ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा देखते हैं, ऑक्सीजन 1 2 3 4 1 2 3 4, अभी हो गए 6 एटम इसके हो गए, ठीक है इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके। अब 6 तो हैं, इसको कितने चाहिए कंप्लीट करने के लिए? 2 चाहिए, तो ये 2 आ गए यहाँ से, इसने यहाँ से क्या किया, गेन कर लिया। और अब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये इसको ले आएगा अपने साथ, ये ले आया यहाँ। तो यहाँ पे देखा आपने, इन्होंने शेयरिंग से क्या करी, बॉन्ड बना ली। अब कितने पेयर शेयर किए यहाँ पे? 2 पेयर्स, 2 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनी वो कैसी बनी, देख रहे हो, तो 2 बॉन्ड बनी, इट मीन्स यहाँ पे कौन सी बॉन्ड बनी, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना बेटा? डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, होप सबको समझ आया होगा। चलो तीसरी बात करते हैं,
एन टू नाइट्रोजन ले लेते हैं। अब भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 2.5, तो वैलेंसी कितनी हो गई, इसको 3 चाहिए, तो भाई एन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास आउटरमोस्ट शेल में, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये भी क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, कैसे, इसको यहाँ ले। चलो अब नाइट्रोजन क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3, और ये इसको अपने साथ ले आएगा। तो देख रहे हो आप यहाँ पे 3 पेयर ये क्या करेंगे, शेयर करेंगे और बॉन्ड्स बनाएंगे। तो कितने पेयर शेयर हुए यहाँ पे, 3 पेयर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स, और कौन सी बॉन्ड बनी यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनी, क्योंकि उन्होंने 3 पेयर क्या किए, शेयर किए, तो ट्रिपल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होप सो आपको समझ आया होगा। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब कहते हैं वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, भाई अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें, इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होती है बिटवीन 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम। चलो H2O की बात करते हैं कि भाई H2O में क्या बनेगा, H2O वाटर पैर, तो हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन के पास 1 है ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, और 2 हाइड्रोजन, दैट इज ये। अब ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे, ये ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके पास 6 थे, 2 2 4 5 और 1 6, ये हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन कंबाइन करके इसके साथ क्या हुआ, स्टेबल हो गया, इसने बना लिए। अब ये क्या करेगा, 2 4 6 8, और ये ऑक्सीजन ने इससे एक एक लेके दोनों हाइड्रोजन से अपने आप को भी क्या कर लिया, स्टेबल बना लिया। तो यहाँ पे कैसी बॉन्ड बनी, सिंगल बॉन्ड। तो ये हम इसको लिख सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड यहाँ बनी और सिंगल बॉन्ड यहाँ। तो यही था कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में कि कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज भी कुछ होती हैं, उनको भी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की बेसिकली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, क्योंकि इनकी जो बीच में फोर्सेज होती है ना, जो उनको जोड़ के रखते हैं, बहुत वीक होती है, दैट इज माई कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म। देखो क्यों भाई, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए है क्योंकि ये क्या करते हैं, शेयरिंग करके एटम्स बनाते हैं, तो कोई चार्ज पार्टिकल तो होता नहीं है। अब चार्ज पार्टिकल होगा नहीं तो ये क्या नहीं होंगे, इतने एक्टिव नहीं होंगे, तो इसलिए क्या होता है, जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। होप सो आपको समझ आया। इन द नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे एलोटॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। अगर वीडियोज अच्छे लगे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।